दोस्तों स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं और उन पर बेस्ड कुछ डेरिवेशंस। तो सबसे पहला डेरिवेशन है गॉस थ्योरम पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर। फिर है प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड कंडक्टर इज जीरो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस एंड आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस या नियर द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर ऑफ एनी शेप। फिर लार्ज शीट। तो ये सारे डेरिवेशन हम लोग करेंगे। पहले हम लोग आज ये टॉपिक लेते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पहले सवाल उठता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ। यानी अगर ये वायर है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपसे कही जा रही है कि 10 कूलाम प्रति मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी 1 मीटर लंबाई पर 10 कूलाम चार्ज है। आपको इसकी पूरी लंबाई से मतलब नहीं है, आपको मतलब है केवल इसकी 1 मीटर लंबाई से, और हर 1 मीटर पर 10 कूलाम चार्ज होगा अगर इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है अगर, तो हर 1 मीटर पर 10 चार्ज होगा, और ऐसे आप इसकी जो भी लेंथ होगी उस पर चार्ज सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई लॉन्ग वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक लॉन्ग वायर है, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमको इसके वायर से आर दूरी पर, ये दूरी आर है, तो यहाँ पर हमको आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो आपको दो तीन चीज़ें यहाँ समझनी होंगी। पहली कि गॉसियन सरफेस या गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, ये हम लोग ड्रा कैसे करते हैं, और दूसरी बात कि हम लोग इसको ड्रा क्यों करते हैं। ठीक, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखिए, ये सिलेंडर तो मैंने गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए बनाया है, और उसे मैं क्यों बनाया हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। पहले देखिए, हमारे पास है क्या, केवल एक लॉन्ग वायर है ये, जिसके ऊपर मैंने लिखा है प्लस लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लीजिए यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है एल। तो एल लेंथ पर अगर मुझे चार्ज क्यू सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यहां से क्यू की वैल्यू आएगी लैम्डा एल। अब ये चार्ज मैंने क्यों सॉल्व किया उसको समझिए। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि किसी सरफेस से लिंक टोटल फ्लक्स केवल उस चार्ज पर डिपेंड करता है जो उसके अंदर बंद है। तो यहां देखिए, इस सिलेंडर को अगर मैं बनाता हूं, अगर इसे मैंने क्यों बनाया मैं आपको बता रहा हूं, इस सिलेंडर को अगर मैं बनाता हूं तो इसके अंदर केवल यहां से यहां तक का जो चार्ज है ये ही है, इसलिए मुझे इस चार्ज से मतलब नहीं है, मुझे इस चार्ज से भी मतलब नहीं है। तो मैं इस आउटसाइड चार्ज को मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने केवल यहां से यहां तक का चार्ज सॉल्व किया, क्योंकि वो उस सिलेंडर के अंदर बंद है, और गॉस थ्योरम के लिए वही चार्ज रिक्वायर्ड होता है जो कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर बंद होता है। तो वो चार्ज हमारे पास आ गया लैम्डा इंटू एल। एल इस सिलेंडर की लेंथ मान सकते हैं, या आप हाइट भी कह सकते हैं। अब यहाँ बात ये उठती है कि लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती कैसे है। तो इमेजिन कीजिए कि ये वायर अभी तो फाइनाइट लेंथ का है, ये मान लीजिए इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, और पहले फाइनाइट के लिए देखिए, इसके ऊपर चार्ज है कैसा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर अगर मैं कोई चार्ज रखूँ टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज इस चार्ज से रिपेल होगा, इधर यहाँ वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा ऐसे तिरछा नीचे, यहाँ वाला ऊपर, और बीच वाला चार्ज एकदम अवे। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका और इसका, वो एकदम बीच से आएगा, और सामने वाले को तो ऐसे आ ही रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सामने आएगी। अब इमेजिन कीजिए, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, तो जितने चार्ज इसके ऊपर हैं उतने ही चार्ज इसके नीचे भी हैं। इस पॉइंट के, इस लेवल के ऊपर भी इनफाइनाइट चार्ज है, और इस लेवल के नीचे भी इनफाइनाइट चार्ज है। तो सारे चार्ज ऊपर वाले नीचे रिपेल करेंगे, और नीचे वाले ऊपर रिपेल करेंगे, और यहाँ पर ऐसे एरो बनेगा, ऐसे एक रिपल्सन इधर आएगा और एक इधर, और दोनों बराबर होंगे, और अगर दो वेक्टर बराबर हो किसी भी एंगल पर तो उसका रिजल्टेंट एकदम बीच में आता है। इसलिए मैंने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही तरफ बनाई है, और वो अभी बनाई है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड बनती। तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड क्यों बनी है, ये मैंने आपको बताया। अब आप ये ध्यान दीजिए कि मान लीजिए यहाँ से लाइट चल रही है इधर भी,
इधर भी, इधर भी और इधर भी, यानी चारों डायरेक्शन में, जैसे यहां से चल रही है वैसे यहां से भी चल रही है, इस पॉइंट से भी चारों डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही है और इस पॉइंट से भी लाइट रेज चारों डायरेक्शन में जा रही है। अब आपको मैं कह रहा हूं कि इन सभी लाइट रेज को कवर करो, तो आप 1D में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि लाइट रे चारों डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रही है, तो आपको चारों तरफ से कवर करना पड़ेगा। तो इस मार्कर में जो रिफिल है उसको कवर करने के लिए, देखिए यहाँ पे जो सफेद रंग का ये सरफेस बनाया गया है, यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल है और पूरा भी सिलेंड्रिकल ही है लगभग। तो ये सिलेंड्रिकल क्यों बनाया गया है, उसका कारण ये है क्योंकि सरफेस सिलेंडर बनाएंगे तभी चारों ओर से सिमेट्रिकली इंक्लोज होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो सरफेस बनाया है ये गॉसियन सिलेंडर है। गॉसियन सिलेंडर क्या होता है, वो सरफेस जो जो आप गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए बनाते हैं, पहले से ये नहीं होता, आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए उस वक्त इसे ड्रा करते हैं आप, और कुछ चीजें आप ध्यान में रखते हैं। जैसे आपको इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करनी है r दूरी पर। अब आप मान लीजिए यहाँ पर गॉसियन सिलेंडर बना दिया आपने, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो आउटवर्ड आ ही रही है, तो इनके बीच में देखिए थीटा हो गया 0, और अगर थीटा हो गया 0 ऐसे यहाँ भी 0, तो हर जगह अगर थीटा 0 आएगा और ऐसे इस तरफ भी थीटा हर जगह 0 आएगा, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आने वाली है हर बार। तो इसका जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस, इस पर आप हर पॉइंट पर क्या पाने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा सेम डायरेक्शन में है, तो इनके लिए तो आप थीटा 0 पाने वाले हैं। तो इसका फ्लक्स फ्लो थीटा 0 होने से इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्यों इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा। अगर ये थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, और 1 अगर आ गया तो आपके पास केवल बचा ई डीए। तो कॉस थीटा में थीटा हो गया 0, तो ये हो गया फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डीए और इनटू 1, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अब आपके ये कैलकुलेशन इजी हो गया। अगर ये थीटा यहीं पर कुछ ऐसा होता जो बदलता हर पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे थीटा कुछ और होता, यहाँ कुछ और होता, तो आप इसको सॉल्व करते समय हर बार परेशान होते, अटकते, आपका स्टेप बड़ा हो जाता। तो इजी करने के लिए यहाँ सिलेंडर बनाया गया है जिससे थीटा 0 हो जाए। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो ये हमेशा इमेजिन कीजिए कि जो सरफेस लिया गया है क्या उससे थीटा 0 आ जा रहा है, और थीटा 0 आने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में मैच करने चाहिए। तो यहाँ पर थीटा 0 हो गया, और ये देखिए ये भी r दूरी है और ये भी r दूरी है और ये भी r दूरी है, वैसे ये भी r दूरी है हर तरफ। तो हर तरफ अगर दूरी r सेम है तो e भी सेम होगा, यानी e है कॉन्स्टेंट। तो अब आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लीजिए, तो ये e हो गया इंटीग्रेशन के बाहर और इंटीग्रेशन dA बचा। अब देखिए डीए क्या है, डीए है ये छोटा सा एलिमेंट और इस एलिमेंट का एरिया है डीए। तो अगर आप इस एलिमेंट के पूरे एरिया को जोड़ते चले जाएंगे तो ये इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और ध्यान रखिए ये 2D नहीं है, 3D है, ये ऐसे है यू सिलेंडर, यानी अगर मैं इस मार्कर को देखूं तो इस मार्कर का ये जो कर्व सरफेस एरिया ये है, और किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh, 2πRh। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, E इंटू 2πR, h की जगह हो जाएगा L, h की जगह इस हाइट की जगह हम लोग लिखेंगे इसकी लेंथ L। तो ये हुआ इक्वेशन 1 हो गई कि हमने फ्लक्स की वैल्यू सॉल्व कर ली कर्व सरफेस से। अब कौन सा सरफेस बचा, अब ये वाला सरफेस बचा जिसको आप बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शन ये। तो अगर आप ध्यान दीजिए ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है U, ये सिलेंडर ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे है ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको देखिए टच करती हुई जा रही है ऐसे, और कहानी ये है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को टच करते हुए जाएगी, जैसे अगर ये सिलेंडर का सरफेस है ये वाला, और यहाँ फील्ड लाइन इसको टच करते हुए जा रही है ऐसे, तो हमेशा फ्लक्स आएगा 0, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी आने वाला है जब फील्ड लाइन सरफेस को काटती हुई जाए। तो इस सरफेस को तो काटते हुए निकलेगी ऐसे, और इसको भी काटते हुए निकलेगी ऐसे, लेकिन यहाँ पर ऐसे टच करते हुए जाएगी और ऐसे यहाँ पर भी इसको टच करते हुए जाएगी, इसलिए इस दोनों सरफेस से फ्लक्स 0 आएगा। अब आप बोलेंगे नहीं इसको आप फॉर्मूले से बताइए, तो मैं आपको इसको फॉर्मूले से भी बता दे रहा हूँ। अगर आप इस सरफेस को जो कि आप जान रहे हैं ऐसे ना होकर
ऐसे सर्किल है यू, इस सरफेस को यहां से देखिए तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा ऊपर और इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। तो अगर आप एरिया वेक्टर यहां पर सेलेक्ट कीजिए तो उसकी डायरेक्शन इधर आने वाली है डीए एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। आपने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ थीटा कितना आया 90, और जब आप प्लस सॉल्व करेंगे तो ई डी ए थीटा हो गया 90, कॉस 90 इज 0, तो ये वाला फ्लक्स हो गया 0 इस क्रॉस सेक्शन के लिए, और इस वाले के लिए भी एरिया वेक्टर यहाँ आएगा इधर इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर इसको यहां से देख रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो एरिया वेक्टर इधर आया क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आता है, तो इधर आएगा और ई इधर है, तो फिर से थीटा 90, तो इन दोनों से तो फ्लक्स 0 हो गया। कारण आप दो है, पहला कारण आप ये समझिए थीटा 90 है इसलिए, दूसरा ये है कि फील्ड लाइन इसको टच करते हुए जा रही है, तो जब भी फील्ड लाइन टच करते हुए जाएगी तो फ्लक्स आएगा 0, तो इससे 0, इससे 0, और इस कर्व सरफेस से आया ई इंटू 2 पाई आर एल। तो एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने फ्लक्स सॉल्व किया। तो जब भी आप गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन लगा रहे होंगे तो ध्यान ये रखिएगा कि इस दौरान हमको हमेशा फ्लक्स दो तरह से सॉल्व करना होगा, एक बेसिक फॉर्मूले से जिसका नाम है इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, दूसरा गॉस थ्योरम से। अब गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम कहती है किसी भी सरफेस से बंद फ्लक्स के लिए केवल वही चार्ज जिम्मेदार है जो उसके अंदर बंद है। और अब आप बताइए इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, तो वो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था लैम्डा इंटू एल। तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो होगा फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी होगी लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, और दोनों एक ही सरफेस के लिए फ्लक्स हैं, तो ये दोनों आपस में होंगे बराबर। तो जैसे ही आप ई इंटू 2 पाई आर एल को लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करेंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एल वाला टर्म ये लेंथ कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए यहां से आपसे इससे जोड़कर एक सवाल पूछ सकता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर विच इज एज्यूम्ड बाई अस ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यानी जो हम लोग यहाँ पर सिलेंडर मानते हैं गॉसियन सिलेंडर, इसकी जो ये लेंथ है इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती, इसको प्रूव करो। तो आप प्रूव करने के दौरान इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे लेंथ वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और आप लिखेंगे सिंस लेंथ टर्म इज इंडिपेंडेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो ई डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ। यानी अगर आपने इसकी लेंथ कम ली है एल, अगर इसको आप बढ़ा के 2L ले लें तब भी वो 2L यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहां से ई की वैल्यू आएगी ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, यहां डिवाइड होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसमें एकदम एक बात एकदम क्लियर है कि ई की वैल्यू आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जैसे जैसे हम लोग वायर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं ई वर्सेस आर, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ध्यान रखिएगा आर जो है इस वायर से दूरी है आर, और ई यहाँ पर आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आर जैसे जीरो करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर घटने पर बढ़ेगी, और अगर आर को बढ़ा के इनफाइनाइट कर दें तो इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे ई कितना आएगा 0। आर इधर इनफाइनाइट है, इधर आर बढ़ता है, इधर आर घटता है, यहाँ आर 0 है, तो आर जब 0 की ओर जाएगा तो ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा, और आर जब बढ़ेगा तो ई घटेगा, यानी ये ग्राफ ऐसे बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे आप इस क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं इस तरफ के लिए। हाँ, तो ये ग्राफ बन गया ई वर्सेस आर। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है व्हाट इज ग्राफ बिटवीन ई एंड 1 बाई आर, तो वो ग्राफ चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात पे। सवाल भी आया है कि अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन 1 बाई आर एंड ई, तो अगर आप ध्यान दीजिए ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर,
ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो थीटा होगा उसको अगर आपसे कहा जाए सॉल्व करो, तो टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर, और ये है ई अपॉन बेस, ये है 1/r, यानी ई अपॉन 1/r, और ई की वैल्यू कितनी है, ई इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/r, r कैंसिल, तो यहां से टैन थीटा की वैल्यू आई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी टैन थीटा इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए जैसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 5 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ अगर लैम्डा की वैल्यू 10 है, 5 मीटर की दूरी पर ई की वैल्यू बताओ, यानी आर आपको दिया है 5, लैम्डा की वैल्यू दी है 10, ई की वैल्यू बताओ। तो आप ऐसे कभी मत सॉल्व कीजिएगा कि ई इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10 की पावर -12, क्योंकि ये सब कुछ डिनोमिनेटर में है, तो ये कैलकुलेशन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले आप यहाँ 3.14 लिखेंगे, फिर 8.85 × 10 की पावर -12 लिखेंगे, फिर सब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, फिर आपको इसमें डिवाइड भी करना होगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप ये बात समझ लें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, तो इसको तो आप अच्छे से पढ़ोगे गुलाम सलाम में, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10 की पावर 9। तो अब इस 4 को आप लिख लीजिए 2 × 2, और इस 2 को यहां भेज दीजिए, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, क्योंकि आपने इस 2 को यहां भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2 × 9, 18 × 10 की पावर 9। तो अब ये फॉर्मूला आपका हो गया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बाई आर, ई इक्वल टू लैम्डा बाई आर अलग कर लीजिए, ई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था उसमें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लीजिए और इंटू लैम्डा बाई आर अलग कर लीजिए। अब देखिए इस वाले की वैल्यू तो पूरी ये है, तो यहां पर आप ये लिखिए 18 × 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा बाई आर। अब आपको इससे फायदा क्या मिलने वाला है कि इसमें अब आप लैम्डा और आर की वैल्यू लिखिए, आपको ई का आंसर मिल जाएगा, यानी अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज स्मार्ट तरीका, अब आप बच गया कैलकुलेशन से। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के आगे के सभी टॉपिक और कुलाम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।